जो माननीय विधायक महोदय यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, साथ साथ नगर पंचायत के अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल जी हैं। मैं पहले वीरेंद्र मंडल से, नगर पंचायत के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि मात्र दो मिनट में सिर्फ लोगों को मुबारकबाद दे और आज के मुशायरा का आगाज कराएं। उसके बाद फिर डॉक्टर इरफान साहब से भी हम कहेंगे कि दो शब्द शायरी के भाषा में समेट कर कर करके लोगों को संबोधित करें। करिए बहुत बहुत बधाई रफीक साहब, आपने पहले ही पाबंदी लगा रखी है दो मिनट में ही वक्तव्य को समाप्त कर देना है, और यह भी कहा है कि शायर के लहजे में कहना है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। गांधी मैदान के इस पवित्र धरती पर राष्ट्रीय एकता मंच जामताड़ा, हिंदू मुस्लिम एकता, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के शुभ अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित हमारे इस जिले के उपायुक्त रमेश कुमार दुबे साहब, इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हमारे जामताड़ा विधानसभा के आदरणीय सम्मानित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, इस जिले के सम्माननीय पुलिस अधीक्षा महोदया डॉक्टर जयाराय जी, अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा, बीडीओ जामताड़ा, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्षा सायरा बानो जी, हमारे असीत जी, बगल में हमारे सुनील जी बैठे हैं, गुफरान साहब और बहुत सारे हमारे निर्वाचित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण तथा दूर दराज से आए इस दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे सभी दर्शक वृंद, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, महानुभावों तथा मंच पर उपस्थित हमारे रफीक अनवर साहब एवं इस आयोजन कमेटी में लगातार प्रयत्न करने वाले हमारे नाजीर जी, मुश्ताक जी, महफूज जी, कालू जी और विभिन्न सारे बहुत सारे हमारे साथीगण हैं जिनके निश्चित रूप से अथक प्रयास से ऐसे अच्छे कार्यक्रम का सफल आयोजन हो पाया है। मैं सबों को सबसे पहले अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और अभी अभी हमारे जिला परिषद के अध्यक्षा महोदया भी आए हैं, उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत उनको भी बधाई देता हूं, तथा मंच पर हमारे इस छोटे से जगह पर राष्ट्रीय लेवल के कई कवि हैं, उन सबों को भी मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं, और जामताड़ा वासियों के ओर से भी आपको मैं बधाई देता हूं। समय कम है और हम लोगों को आज कवियों के माध्यम से प्रस्तुति सुनना है, चूंकि यह राष्ट्र एकता मंच है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कवि सम्मेलन है, तो इस कवि के लहजे में हम सबों की जो एकता की बात है वो मैं थोड़ा सा दो शब्द रखता हूं आपके बीच में। कहता है, मस्जिद के ऊपर मंदिर, मंदिर के ऊपर तलवार, मस्जिद के ऊपर मंदिर, मंदिर के ऊपर तलवार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई,
कोई ना करो एक दूसरे परिवार और इस देश की अखंडता के लिए हम सभी रहें तैयार। यह गांधी मैदान है और मेरे मैं अपनी बखान नहीं कर रहा हूं, चेयरमैन बनने से पहले गांधी मैदान में बहुत गंदगियां रहता था और इस टाइम में बहुत सारे लोग इधर उधर बैठते थे, रोज जो है बोतल निकाल निकाल के फेंकना पड़ता था। आज सरकार भी उस पर पाबंदी लगा रही है, तरह तरह से लोग उस पर रखता है भाई बंद होना चाहिए। तो इस पंक्ति में भी दो पंक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि कवि सम्मेलन है इसलिए थोड़ा सा कवि के लहजे में एक दो बात होनी चाहिए। कहता बेमौत बेकफन कई मर गए जमाने में, बेमौत बेकफन कई मर गए जमाने में, फिर क्यों लोग पीने जाते हैं जहर माई खाने में। बेमौत बेकफन मर गए कई लोग जमाने में, फिर क्यों लोग जहर पीने जाते हैं माई खाने में। फिर क्यों लोग, आइए आइए रफीक साहब आइए बगल में ही आइए, पीने जाते हैं माई खाने में जहर की मां, जहर की मां मौत की बाप चिंता की आग, जहर की मां मौत की बाप चिंता की आग, जिंदगी को बर्बाद कर देती है उसका नाम है शराब। अरे अपने नहीं, अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए तरस खाओ, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए तरस खाओ, कुछ कमा के लाओ बच्चों की जिंदगी पर नजर डालो, कुछ कमा कर लाओ बच्चों की जिंदगी पर नजर डालो, उनके अरमानों को 3X की बोतल से ना कुचल डालो, उनकी अरमानों को 3X की बोतल से ना कुचल डालो, उन्हें जैसे सिखाएंगे वही अपनाएंगे, उन्हें जो बताएंगे वही वो अपनाएंगे। क्या खबाब था, क्या खबाब थी एक सुहागन की अरमानों में, क्या खबाब थी एक सुहागन की अरमानों में, अरे फूल तो छोड़ दिए कांटे को बेच, कांटे को छोड़ दिए फूल तो रह गए आंगन में। ओ मेरे मताल दोस्त अपने को संभालो, खुद को निकालो मौत के गुफे से, तूने मंदिर पे तो गंदगी दे दी, तूने मंदिर पे तो गंदगी दे दी, एक सुहागन के जिंदगी में विधवा की जिंदगी दे दी, एक सुहागन के जिंदगी में एक सुहागन को विधवा की जिंदगी दे दी। कौन कहता है शराब पीने से गम भूल जाता है, कौन कहता है शराब पीने से गम भूल जाता है, अगर ऐसा होता तो क्या गंगा स्नान करने से गधा घोड़ा बन जाता है, अगर ऐसा होता तो गधा गंगा स्नान कर लेने से घोड़ा बन जाता। छोड़ दो पीना तोड़ दो बोतल, छोड़ दो पीना तोड़ दो बोतल, अब न छूना कभी, सुन ले वीरेंद्र कवि का फरियाद, ए मताल दोस्त अब न पीना कभी, अब न पीना कभी, अब न पीना कभी। चलिए बहुत बहुत बधाई, और रफीक साहब बोल रहे हैं छोड़ देने के लिए बहुत सारा था फिर कभी देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला परिषद के अध्यक्ष आज भी हैं, गुलदस्ता देकर के सम्मानित करें उन्हें।